मॉर्निंग दोस्तों, कुछ समय शरीर को हेल्दी वेल्दी रखने के लिए जिम के अंदर भी पसीना बहाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। और आप सभी लोग अच्छे होंगे, यही कामना मेरी है। आप लोगों के सम्मुख वर्कआउट कर रहे हैं। तत्परता बनी हुई है हेल्थ इज वेल्थ के प्रति। आप सभी लोग समर्पित रहें, किसी न किसी प्रकार से शारीरिक गतिविधियों के साथ संलग्न रहें, यही मेरा निवेदन है। क्योंकि जब हमारी काया निरोगी होगी तभी हम जीवन के सभी आयामों को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उस परमात्मा रूपी प्रभु का चिंतन कर सकते हैं, तभी हम अपने, अगर कोई जिम्मेदारी घरेलू जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, तो उसका निर्वहन कर सकते हैं। तो साथियों, जब भी अवसर मिलता है तो वर्कआउट करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ आ गया है और शरीर से बड़ी अनमोल निधि कोई नहीं है। तो उस निधि को पहचानने का प्रयास करें कि उस अनमोल निधि को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे उसको जी सकते हैं, किस तरह से समस्त क्रियाकलापों को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो साथियों, ये अपना वर्कआउट का स्थान है और परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है, कृपा है, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगता है शारीरिक साधना करने में, क्योंकि जब आरोग्यता रहेगी तभी जीवन में परिपूर्णता रहेगी। तो साथियों, जब भी अवसर मिलता है आप योग ध्यान कर लें, लेकिन वर्कआउट के रूप में आप जिम में भी जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और भी कई प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को आप अपने इस नियमन के साथ जोड़ सकते हैं। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट करिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक अंग को स्टन देनी है तो आप करिए वर्कआउट किसी भी प्रकार का। तो वर्कआउट करते समय अपने स्ट्रेंथ को पहचान लीजिए। जब आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान जाएंगे, अपने स्ट्रेंथ को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ ही आपके काम आएगी, आपका स्टेमिना ही आपके काम आएगा, आपकी आरोग्यता ही आपके काम आएगी। जीवन भर आरोग्य रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए आप वर्कआउट करें किसी न किसी प्रकार से, मुस्कुराते हुए कोई भी क्रिया करें तो प्रसन्नता रूप भाव के साथ करें। और किसी भी क्रिया को करने के लिए सांसों का अहम योगदान रहता है, प्राणिक क्षमता का, ब्रीदिंग का अहम भूमिका रहती है। सांसों को आप नियंत्रित करें, सांसों की गति को पहचानें, फिर उस गति के साथ ब्रीदिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए। और जब भी आप वर्कआउट करें तो आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए। किसी भी हम घटना से जो घटित होती है, उस दुर्घटना से हम बच सकते हैं, क्योंकि तत्परता स्वयं के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज डेथ कहा गया है। और जब आप वर्कआउट करते हैं जिम के अंतर्गत, तो नो पेन नो गेन एक शब्द कहा गया है। अगर जब तक, जिस दिन आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस दिन आपके शरीर में उस स्थान के, चाहे आपने ट्राइसेप्स किया हो, बाइसेप्स किया हो, बेंच प्रेस किया हो, शोल्डर किया हो, या थाइज के लिए किया हो, काफ मसल्स के लिए किया हो, या बेंच प्रेस में आपने जो भी क्रिया करी हो, तो जिस दिन आप उस वर्कआउट को करते हैं तो उसके तदुपरांत आपके शरीर में उस स्थान में पेन होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए आपकी पृष्ठभूमि के अनुसार। तो नो पेन नो गेन, जब पेन होगा तो वही दर्द आपकी ताकत बनेगा और आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिला के रहेंगे, दुनिया में, समाज में आप बिल्कुल पृथक दिखाई देंगे। और साथियों, यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि जब भी आप कर रहे हैं तो नेचुरल डाइट को अपने अंदर लें, नेचुरल अंकुरित दालों खाएँ, अंकुरित चने खा सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है नेचुरल डाइट के साथ, और नेचुरल रहें, नेचुरल बॉडी बनाएं। अगर आप इसमें प्रोफेशनल जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, अमीनो एसिड्स लेने पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ते हैं, इसी तरह से
डाइट लेनी पड़ती है जब आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, चाहे आप मिस्टर वर्ल्ड बने, चाहे आप कोई मिस्टर कुमाऊं बने, मिस्टर उत्तराखंड बने, तो उस समय आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, टेस्ट पे मीठे पे त्याग करना पड़ता है। तो जब आप नेचुरल रहना चाहते हैं तो नेचुरल वर्कआउट करें, लाइट वर्कआउट करें और प्रत्येक मसल्स को क्रिएट करें एनर्जी के साथ, ताकत दें। और जब आप जिम जाते हैं तो जिम जाने से क्या होता है, बॉडी हमारी क्या होती है, बिल्कुल हैंगर नुमा होती है। जब हम जिम करते हैं तो बॉडी को सेव मिलता है, स्ट्रेंथ आती है, पावर आती है और हमारा वी शेप आता है। जब हम लैट्स करते हैं, लैट्स की एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए चिन अप्स करते हैं और उसी के साथ अगर भुजाओं के लिए आप ट्राइसेप्स मसल्स में ट्राइसेप्स के कुछ अभ्यास होते हैं उनको करें, बाइसेप्स के लिए बाइसेप्स कुछ अभ्यास होते हैं उनको करें, उसी तरह शोल्डर के लिए बैक शोल्डर और फ्रंट शोल्डर करना होता है, और बेंच प्रेस में बेंच प्रेस मारनी होती है, डिक्लाइन होता है, इंक्लाइंस होते हैं, और उसके अनुसार स्क्वाट्स में आप कर सकते हैं, स्क्वाट में आप दंड बैठक भी कर सकते हैं और स्क्वाट मार सकते हैं आपकी अगर, क्योंकि पहला बेस हमारे पैर ही है और पैरों के लिए आप दंड बैठक कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त आप काफ मसल्स के लिए अपने टोज पे खड़े होकर के अप एंड डाउन करते हुए काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फोरआर्म्स की एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि कंप्लीट आपको अभ्यास करना है तो इसके लिए आप रूटीन बना सकते हैं, अपने अच्छे कोच से मिल सकते हैं, गाइडलाइन हमेशा होनी चाहिए एक अच्छे योग्य और सक्षम व्यक्ति से आप सीखें जिसने इस लाइन पे ज्ञान को अर्जित किया है। और मैं निवेदन करूंगा कि फिट रहें, हिट रहें और सिंपल बॉडी बनाएं। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल गतिविधियों में जा रहे हैं तो तब आप प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं या किसी प्रकार का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं शरीर के लिए, तो वो निश्चित समय तक, जब तक आप वर्कआउट करेंगे तब तक आपकी बॉडी पंप रहेगी, और अगर आप जिस दिन आप वर्कआउट को छोड़ देते हैं, जिम को छोड़ देते हैं, तो उसके तदुपरांत बॉडी सामान्य स्तर पर आ जाती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि सामान्य स्तर की बॉडी बनाए रखने के लिए आपको सामान्य डाइट लेनी है, सामान्य अंकुरित दालों को लें, स्प्राउट्स लें, आलू ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं हल्के हल्के, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट आपको जरूर मिलना चाहिए, दूध पी सकते हैं और तदुपरांत जूस भी आप पी सकते हैं, मतलब नेचुरल डाइट को लें। तो नेचुरल रहें, नेचुरल एक्सरसाइज करें, नेचुरल अपनी ज़िंदगी में स्वाभाविक रहें और सभी के साथ अच्छे नेचर के साथ, अच्छे विचार के साथ, अच्छे व्यवहारिक संबंध के साथ स्वयं के जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि साथियों पहला सुख बार बार कहता हूँ निरोगी काया है। और जब हम वर्कआउट करते हैं किसी भी प्रकार से वर्कआउट के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि आप अपने प्रति हॉनेस्ट हो चुके हैं, आप अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी समस्त गतिविधियों के प्रति हॉनेस्ट हो चुके हैं। तो मैं निवेदन करूँगा जब आप अगर जिम भी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित पार्ट का पहले एक दिन अपने शेड्यूल में पहले थोड़ा सा कार्डियो करें, थोड़ा वार्म अप करें, उसके तदुपरांत जो शेड्यूल आपका है पहले दिन से कर सकते हैं, एक दिन शोल्डर के साथ लैट्स कर सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, अलग अलग दिन में अलग आप वर्कआउट करें, और सातों दिनों का या छः दिन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा रिलैक्स कर लें, बीच में अगर तीन दिन का भी अगर आप शेड्यूल कर रहे हैं तो बीच में आप जॉगिंग कर सकते हैं, अपने आप को फिटनेस देने के लिए वॉक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से स्विमिंग कर सकते हैं, तो एक्टिव रहना। और ध्यान को तो आप जोड़िए, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, ध्यान तो एक अभिन्न परिभाषा है जीवन को समायोजित करने की, जीवन को जीने की। और ध्यान जब आप करेंगे तो ध्यान से क्या होगा कि आपको ध्यान का प्रभाव आपके जीवन के हर फील्ड में, आप वर्कआउट भी करते हैं तो उस समय भी आप तन्मयता के साथ अपने प्रति समर्पित हो जाएंगे और उसका प्रभाव अत्यधिक मात्रा में आपको, क्योंकि ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। ध्यान का अर्थ है एनर्जी, ध्यान का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अर्जित करना, निरूपित करना, स्थापित करना। तो वो ध्यान आपके हर स्थान पे, चाहे आप वर्कआउट करेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र पे जाएंगे, चाहे किसी भी जीवन की परिधि को आप जीना आरंभ करेंगे, तो उस समय आपका ये ध्यान रूपी कवच, एक कवच है, एक अस्त्र है, एक अमोघ अस्त्र है। इस तरह से महसूस करेंगे कि आप निरंतर एक हर दिन एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, एक विजयी हो जाते हैं एक अपने राज्य के प्रति, पूरे समस्त संसार की गतिविधियां आपके अंदर स्थित हैं। और जब आप ध्यानात्मक अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उसमें विजय स्वतः ही आपकी होती, कोई आपके अश्व को छीनता नहीं है, सब आपके अनुकूल कार्य करना आरंभ कर देते हैं, सब आपसे, क्योंकि आपकी वैचारिक स्थिति में इतनी सरलता आ जाती है कि उस अश्वमेध यज्ञ को सफल बनाने के लिए जितनी भी प्रकृति है, जितने भी समाज के अन्य लोग होते हैं, वो आपको सहयोग करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके उस अश्वमेध यज्ञ को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए साथियों जब भी अवसर मिले वर्कआउट करें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, इसी शब्दों के साथ नमो भगवते वासुदेवाय, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। एक बार पुनः आपका ही अपना योग गुरु उमेश जोशी गुड़गावा से। और साथियों, यूट्यूब चैनल पर आप जरूर जाइएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है, जिस तरह से मेरे 2500 से 3000 आप फ्रेंड हैं, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को योग गुरु UMESSHJOSHI को अगर सर्च करेंगे तो उसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि वो ताकत बनेगी मेरे लिए नहीं, मेरे भविष्य के लिए। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो समर्पित होकर के कार्य करते हैं, लेकिन आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ अर्थ हमें अर्जित करना होता है, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो आप किसी न किसी रूप से हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे सोहम परिवार से भी आप जुड़िएगा और अपने स्थान पर आप भागवत कथा करा सकते हैं, राम कथा करा सकते हैं, योग ध्यान शिविर लगा सकते हैं या सत्संग करवा सकते हैं। तो मैं अपनी ओर से पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उस कार्य को संपादित करने में, उस प्रवचन को आपके सम्मुख जीने में, व्यवस्थित रूप से लोगों के सम्मुख सत्संग रूपी धारा को प्रवाहित करने में जितना सहयोग मेरी ओर से होगा, परमात्मा की कृपा से जितना मेरे को कृपा का अनुग्रह उनका निरंतर मिलता रहेगा, तो मैं नए शब्दों के साथ, नई ऊर्जा के साथ निरंतर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित रहूँगा। इसी के साथ राधे राधे आपको एक बार पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय।